हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। इस चैनल को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आरएनएम एकेडमी चैनल में आप सबका फिर एक बार स्वागत है। आज मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं इंजीनियरिंग ड्राइंग में। उस चैप्टर का नाम है स्किल्स। गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के सिलेबस में भी चैप्टर है, जीटीयू में। लेकिन ये चैप्टर स्टार्ट करूं उसके पहले मैं आपको बता दूं कि हमने दो चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं वीडियो लेक्चर्स के जरिए। एक चैप्टर जो मैंने पहले शुरुआत के तौर पर कंप्लीट किया वो था प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स, और उसके बाद दूसरा चैप्टर जो मैंने कवर किया वो था प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन। आप अगर ये चैनल पर नए हैं और पुराने ये दोनों चैप्टर्स अगर आपने पढ़े नहीं हैं या वीडियो लेक्चर्स देखे नहीं है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों चैप्टर के लिए प्लेलिस्ट की लिंक रखी है। तो शुरुआत से लेके समझो कि प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में 3 वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन में 11 वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है। तो इन सिक्वेंस आप सभी वीडियोस देखते जाएं। शुरुआत प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट से करें, उसके सीक्वेंस में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके सभी वीडियोस कवर करें। बीच में से अगर कोई वीडियो उठाएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने वाला है। तो पहले से सीक्वेंस मेंटेन करके प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स और प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सीखे और उसकी प्रैक्टिस भी करे। मैंने अभी तक 14 वीडियोस बनाए हैं, लेकिन बीच में अगर आपको कोई प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के रिलेटेड डिफिकल्टी है या प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन के रिलेटेड डिफिकल्टी है, क्वेश्चन है, कोई मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है या कोई यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन का प्रॉब्लम है और उसका अगर सॉल्यूशन आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं उस सॉल्यूशन का वीडियो लेक्चर बना के आपको प्रेजेंट करने वाला हूं। ये पुराने वीडियो की बात हुई, आज हम नया चैप्टर जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है स्किल्स। स्किल्स एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट है इंजीनियरिंग ड्राइंग में। कहीं भी स्किल के बिना काम आगे नहीं बढ़ने वाला है, क्योंकि हम जो ड्राइंग ऑन अ प्लेन शीट ऑफ पेपर पर दिखाते हैं उस शीट की साइज तो फिक्स रहती है, लेकिन ऑब्जेक्ट की साइज बदलती जाती है। कभी ऑब्जेक्ट लार्जर साइज का होता है, कभी ऑब्जेक्ट स्मॉल साइज का होता है, कभी ऑब्जेक्ट नॉर्मल शीट या पेपर साइज का भी होता है, मीडियम साइज। तो डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेदर इट इज लार्जर साइज, मीडियम साइज और स्मॉल साइज, द स्केल्स आर टू बी प्रिफर्ड। तो स्केल 3 प्रकार के हैं और वो तीनों प्रकार मैंने यहां दिखाए हैं। पहला जो स्केल है टाइप वो फुल स्केल, दूसरा स्केल का टाइप है रिड्यूस स्केल और तीसरा है एनलार्ज स्केल। वन बाय वन समझते हैं। फुल स्केल किसको बोलेंगे? जो रियल ऑब्जेक्ट का डायमेंशन है उसी डायमेंशन से अगर मैं शीट में ड्राइंग करता हूं तो वो फुल स्केल है, और उसको रिप्रेजेंट करने का जो मैथमेटिकल या रिप्रेजेंटेशन मेथड है उसको बोलेंगे हम 1:1। जितना ऑब्जेक्ट का डायमेंशन उतना ही शीट में ड्राइंग का डायमेंशन, तो 1:1, सो इट इज ड्रॉन विद द ट्रू साइजेस। दूसरा जो स्केल है वो है रिड्यूस स्केल। कई बार ऑब्जेक्ट इतना बड़ा होता है कि उसको शीट पर उसी डायमेंशन से ड्रॉ करना बहुत मुश्किल है, लाइक बिल्डिंग ड्राइंग। समझो कि बिल्डिंग ड्राइंग में मेरा रूम है वो 10 मीटर लेंथ है, हॉल की लेंथ 10 मीटर है, तो 10 मीटर को पेपर पर लाना मुश्किल है, तो उसको रिड्यूस करना पड़ेगा और इसीलिए उस स्केल को हम रिड्यूस बोलते हैं। रिड्यूस स्केल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जैसे 1:2, 1:5, 1:10, 1:100 एटसेट्रा। लेफ्ट साइड आपका 1 रहेगा और ये साइड नंबर बड़ा होगा। 1:2 मीन्स 1/2 मीन्स हाफ द स्केल। जो ऑब्जेक्ट था उसको हाफ बना दिया और फिर हमने ड्रॉइंग किया है। 1:10 मीन्स 1/10, 1/10, तो डायमेंशन को 10th टाइम रिड्यूस किया और फिर हमने ड्राइंग बनाया। तो रिड्यूस स्केल को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका आप समझ लीजिए।
और तीसरा जो है वो एनलार्ज स्केल। एनलार्ज स्केल मीन्स कई बार ऐसे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं कि जिसको पेपर पर ड्रॉ करना ही मुश्किल बात है, क्योंकि समझ में नहीं आएगा, ड्राइंग करना ही मुश्किल है। लाइक रिस्ट वॉच कंपोनेंट्स या वॉच मैकेनिज्म, गियर मैकेनिज्म अंदर होती है, तो ये सभी को ड्राइंग के जरिए अगर बताना है तो मुझे एनलार्ज करना पड़ेगा, और इसीलिए एनलार्ज स्केल इज यूज्ड। तो एनलार्ज स्केल को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? रिवर्स है, 2:1, 5:1, 10:1। मैं जब 2:1 लिखता हूं मीन्स 2 / 1, तो वो डबल स्केल से हमने ड्रॉ किया है। 5:1 मीन्स 5 टाइम्स, द टाइनी पार्टिकल इज एनलार्ज बाय 5 टाइम्स। 10:1 मीन्स 10 टाइम बड़ा किया है हमने। तो ये स्केल को रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। बेसिकली वी विल रिमेम्बर दिस 3 टाइप्स ऑफ स्केल, फुल स्केल, रिड्यूस स्केल एंड एनलार्ज स्केल। आगे बढ़ते हैं। एक ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है जिसको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, जिसको हम कहते हैं आरएफ। आरएफ की डेफिनेशन क्या है? द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द एलिमेंट इन द ड्रॉइंग टू द साइज ऑफ द सेम एलिमेंट इन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। आप ड्राइंग पर जो साइज दिखाते हैं वो न्यूमरेटर में आएगी, और रियल ऑब्जेक्ट की जो साइज है वो डिनोमिनेटर में आएगी। जैसे मैं दिखाऊं, समझो कि कोई रूम की लेंथ है वो 10 मीटर है, और मैंने पेपर पर उसको 10 सेंटीमीटर से दिखाया है, तो 10 सेंटीमीटर जो मेरा डायमेंशन पेपर पर है वो न्यूमरेटर में आएगा, 10 सेंटीमीटर इज रिटन हियर। और रूम की साइज जो रियल ऑब्जेक्ट की साइज थी वो 10 मीटर थी, तो 10 मीटर इज रिटन हियर। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 10 मीटर इज योर रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन आरएफ। अगर दोनों को मैं एक यूनिट में कन्वर्ट करूं तो 10 सेंटीमीटर तो यहां रहने वाले हैं, बट इट इज डिवाइडेड बाय 10 मीटर मीन्स 10 × 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो 10 × 100, नाउ दिस इज ऑल्सो कन्वर्टेड टू सेंटीमीटर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गए, 10 10 भी कैंसिल, सो फाइनली इट इज 1 इज लेफ्ट इन द न्यूमरेटर एंड 100 इज लेफ्ट इन द डिनोमिनेटर। तो 1/100 ये हमारा आरएफ हुआ, 1/100। उसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, 1:100। तो ये रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन हुआ आरएफ। तो आरएफ की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी, द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द एलिमेंट इन द ड्राइंग टू द साइज ऑफ द सेम एलिमेंट इन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड आरएफ। आगे चलते हैं। ये थोड़ा कन्वर्जन पैरामीटर से, कन्वर्टिंग फैक्टर से, उसको आपको याद रखना पड़ेगा, पर्टिकुलरली फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द स्केल। हम जैसे याद रखते हैं कि 10 mm इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, वो अच्छी तरह हम जानते हैं। 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर, वो भी जानते हैं। 10 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, 10 मीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर, 10 डेकामीटर इज इक्वल टू 1 हेक्टोमीटर, 10 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। सिमिलरली 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 फीट एंड 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंचेस। ये इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और इसको याद रखना जरूरी है। कन्वर्जन में सबसे पहला टाइप, जो पहला कॉमन और बेसिक स्केल है, उससे शुरुआत करता हूं। इसके मैं प्रॉब्लम्स भी लेने वाला हूं, लेकिन उसके पहले थोड़ी थ्योरी समझ लेते हैं। सबसे पहला जो स्केल है वो प्लेन स्केल है। प्लेन स्केल क्या हाईलाइट करता है? इट रिप्रेजेंट्स अ यूनिट एंड इट्स फ्रैक्शन। प्लेन स्केल दो फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है, या तो खुद एक यूनिट होगा और उसका फ्रैक्शन होगा, या टू इंटरकनेक्टेड यूनिट्स। प्लेन स्केल में दो डायमेंशन रिप्रेजेंट करते हैं, या तो यूनिट और उसका फ्रैक्शन, या टू इंटरकनेक्टेड यूनिट्स। द जीरो इज मार्क्ड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट सब डिवाइडेड मेन डिवीजन। थ्योरी पहले समझ लेते हैं, और फिर न्यूमेरिकल जब मैं प्रॉब्लम लेने वाला हूं तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। द जीरो इज मार्क्ड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट सब डिवीजन। पहला जो सब डिवीजन होगा उसके बाद हम जीरो मार्क करने वाले हैं। एंड फ्रॉम द जीरो मार्क यूनिट्स आर रिटन ऑन द राइट साइड एंड सब डिवीजन आर रिटन ऑन द लेफ्ट साइड।
जीरो एक बाइफरकेटिंग पॉइंट होगा, राइट साइड हम मेन यूनिट्स दिखाएंगे और उसके सब डिवीजन लेफ्ट हैंड साइड हम दिखाने वाले हैं। स्टेप्स कैसे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो आगे की देखते हैं हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ प्लेन स्केल। प्लेन स्केल के प्रॉब्लम अगर सॉल्व करने तो स्टेप्स क्या होने चाहिए, तो मैंने पांच स्टेप्स दिखाए। सबसे पहला स्टेप फर्स्ट कैलकुलेट ए एल ओ एस, जिसका फुल फॉर्म है एक्चुअल लेंथ ऑफ द स्केल। सबसे पहले आपको जो कस्टमाइज स्केल करना है उसकी एक्चुअल लेंथ कैलकुलेट करनी पड़ेगी। वंस यू कैलकुलेट एक्चुअल लेंथ ऑफ द स्केल, उसी लेंथ से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी और उस लाइन को आपको नंबर ऑफ डिविजन में डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे आप नंबर ऑफ डिवीजन में डिवाइड करते तो सबसे पहला डिवीजन होगा, उसके बाद आपको जीरो मार्क करना पड़ेगा और जीरो के बाद राइट साइड आपका प्राइमरी यूनिट आएगा और लेफ्ट साइड जो सब डिवीजन है उसमें सेकेंडरी यूनिट आएगा। एंड देन यू हैव टू रिप्रेजेंट योर रिक्वायर्ड डायमेंशन। और जब आप स्केल जनरेट करो या स्केल बना दो उसके बाद आर एफ इंडिकेट करना नहीं भूलना है। रफली मैं दिखाऊं तो ये मेरा ए एल ओ, समझो कि मुझे एक्चुअल लेंथ ऑफ द स्केल मिल गई 10 सेंटीमीटर, तो मैं 10 सेंटीमीटर के लाइन ड्रॉ करने वाला हूँ। उसके डिविजन बनेंगे, समझो कि मेरे 10 डिवीजन बनते हैं, वो डिसीजन हम लेंगे। समझो कि 10 डिवीजन बनते हैं तो ये 1 2 3 4 5 देन 6 7 8 9 और 10, सबसे पहला डिवीजन है, उसके बाद मैं यहाँ जीरो मार्क करने वाला हूँ और ये साइड हमारे बाकी के नंबर्स आएंगे जैसे 1 2 3 एटसेट्रा। और लेफ्ट साइड जो है वो सब डिविजन्स बनेंगे, लाइक इसके भी 10 पार्ट बनेंगे और यहाँ हम कुल मिला के कलेक्टिवली हमारा स्केल का रिप्रेजेंटेशन होगा। कैसे होगा वो डायमेंशनली ड्रॉ करके मैं यही वीडियो लेक्चर में सॉल्यूशन में दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये हमारा रफ आइडिया हुआ स्केल के बारे में। और प्राइमरी स्केल की इस थ्योरी के बेस पर आइए हम एक प्रॉब्लम लेके समझते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्लेन स्केल का ये पहला प्रॉब्लम मैं पढ़ लेता हूं स्टूडेंट्स, बाद में डेटा हम नोट कर देते हैं। कंस्ट्रक्ट प्लेन स्केल ऑफ आर एफ, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन दिया है हमें 1:50 टू शो मीटर्स एंड डेसीमीटर्स। हमें पता है कि 10 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, तो मीटर और डेसीमीटर के बीच का ये रिलेशनशिप है। मैक्सिमम मेजरमेंट रिक्वायर्ड इज 5 मीटर। ये स्केल जो हम बनाने वाले हैं उससे मैक्सिमम लेंथ कितनी मेजर होनी चाहिए, 5 मीटर। शो ऑन इट अ डिस्टेंस ऑफ 3.8 मीटर्स। तो डेटा नोट डाउन कर देते हैं। पहले डेटा आर एफ हमें दिया है, आर एफ इज इक्वल टू 1/50। मैक्सिमम लेंथ विच इज टू बी मेजर्ड, मैक्सिमम लेंथ हमें दी है मेजर करने के लिए वो 5 मीटर है। और हमें जो आंसर दिखाना है वो है 3.8 मीटर्स का। इतनी लेंथ हमें मेजर करके दिखानी है। तो शुरुआत कैसे करें? शुरुआत में सबसे पहला स्टेप मैंने जो स्टेप दिखाया उसमें ए एल ओ एस, हमें सबसे पहले एक्चुअल लेंथ ऑफ स्केल कैलकुलेट करनी है। एक्चुअल लेंथ ऑफ स्केल इज इक्वल टू, इक्वेशन है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम लेंथ विच इज टू बी मेजर्ड, मैक्सिमम लेंथ। तो आर एफ की अगर बात करें तो 1/50 है और मैक्सिमम लेंथ इससे मेजर करनी है वो मेरी 5 मीटर है। और इसका अगर आंसर फाइंड करें तो 1/50 × 5 मीन्स 1/10 मीटर, और 1/10 मीटर मीन्स 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो स्केल बनने वाला है उसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर होगी। तो सबसे पहले
हमें 10 सेंटीमीटर की लेंथ वाली एक लाइन ड्रॉ करनी है, लेकिन लाइन की कुछ विड्थ रखेंगे, सुटेबल विड्थ स्केल है तो विड्थ कोई भी सुटेबल विड्थ रख सकते हैं, पहले लाइन बना देते हैं। तो लाइन के लिए देखो, मैं 10 सेंटीमीटर की लेंथ ले रहा हूं और जैसे मैं 8 यहां से लेके 10 सेंटीमीटर की लेंथ मींस 8 से शुरुआत करके 18, ये 10 सेंटीमीटर की लेंथ हो गई और उसकी कुछ न कुछ विड्थ रखते हैं। समझो कि मैंने इस स्केल के लिए विड्थ रख दी 1 सेंटीमीटर, विड्थ से मतलब नहीं है, हमें लेंथ एक्यूरेट लेनी है। तो लेंथ हमारी 10 सेंटीमीटर की है, तो ऐसी एक लाइन बना दी जिसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर। अभी क्वेश्चन ये बनता है कि 10 सेंटीमीटर की लेंथ जनरेट करने के बाद हमें तुरंत इस लेंथ को डिवाइड करना है, नंबर ऑफ डिविजन्स। तो डिवीजन का डिसीजन कैसे लेंगे, कितने डिविजन्स मुझे बनने चाहिए? तो हमें पता है कि मैक्सिमम लेंथ कितनी मेजर होनी चाहिए, 5 मीटर। तो ये जो 10 सेंटीमीटर वाली लेंथ है उसके 5 डिवीजन बनने चाहिए। तो मैं 5 डिवीजन में डिवाइड कर देता हूं, तो 10 सेंटीमीटर के 5 डिवीजन मींस 2 सेंटीमीटर का एक डिवीजन, तो 7 2 सेंटीमीटर का और एक डिवीजन, ये 2 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर, तो 5 डिविजन्स बन गए। और थ्रू ऑल 5 डिविजन हम लाइट पेंसिल से ऐसे जोड़ देंगे। अभी जो 5 डिविजन बने, नेक्स्ट स्टेप हमारा कि एट द एंड ऑफ द फर्स्ट डिवीजन आई विल मार्क 0, तो ये मेरा 0 हो गया। जो फुल लेंथ है वो स्केल कितना मेजर करने वाला है, 5 मीटर, तो 0 बाद में मैं यहां मार्क कर देता हूं 1, ये 2, ये 3 और ये 4। राइट साइड मैंने 4 मीटर तक मार्क कर दिया, मीन्स यहां तक की लेंथ 1 मीटर मेजर करेगी, ये 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। और लेफ्ट साइड जो है 1 मीटर का पार्ट, उसका हमें सब डिवीजन करना है। हमें पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर, तो ये जो लेंथ है उसको फिर हम 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो लेंथ है 20 mm या 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर वाली लेंथ है उसको भी हम दो दो पार्ट में 2 mm का एक डिवीजन लेके हम डिवाइड करने वाले हैं, 2, 2, 3। और उस 10 पार्ट्स को हम ऐसे जोड़ देंगे, ये फर्स्ट पार्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करके हम डिवीजन को जोड़ देंगे। लेफ्ट साइड में हम पॉइंट नोट करते जाएंगे, जैसे ये 0 है तो यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 10, तो समझो कि ये मेरा 1 डेसीमीटर, ये 2 डेसीमीटर, ये 3, ऐसे करके ये 5, ये 6, 7, 8, 9, ऐसे हम इंडिकेट कर देंगे।
तो जीरो से लेफ्ट साइड जैसे हम चले जाएंगे वो डेसीमीटर इंक्रीज होने वाले, और 10 डेसीमीटर तक पहुंच गए मीन्स 1 मीटर हो जाएगा। तो 1 मीटर ये, बाकी 4 मीटर ये साइड, तो टोटल लेंथ हमारी 5 मीटर हो गई। तो ऐसे एक स्केल जनरेट हो गया। अभी इसमें कितनी लेंथ मुझे मेजर करनी है, 3.8 मीटर। तो हमें प्राइमरी यूनिट ये 3 है, तो 3 पर रखने वाले हम ये 3 मीटर, और ये साइड 8 मीटर। तो 8 मीटर वाला मीन्स ये लाइन, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आया वो हमारे लिए मेजरमेंट बन जाएगा। दिस इज द लेंथ विच इज टू बी मेजर्ड। तो इतना डिस्टेंस हमारा जो बनेगा वो हमारा रिक्वायर्ड डायमेंशन या रिक्वायर्ड लेंथ शो करने वाला है। ये जो लेंथ है वो है 3.8 मीटर। तो वैसे हम आंसर दिखा सकते हैं स्केल जनरेट करके। मैं फिर से वो स्टेप्स कैसे मैंने कंस्ट्रक्ट किया वो दिखा दूं। RF दिया है 150, मैक्सिमम लेंथ 5 मीटर, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन मुझे देगा एक्चुअल लेंथ ऑफ द स्केल, वो आया 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर की लाइन हमने बना दी विथ सुटेबल विड्थ। 10 सेंटीमीटर को मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया, क्यों? क्योंकि मुझे मेजर करनी है लेंथ 5 मीटर, तो 5 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहले डिवीजन के बाद मैंने 0 मार्क किया और यहाँ 1, 2, 3, 4 लिखा। लेफ्ट साइड जो 0 to 1 वाला है उसको मैंने और 10 पार्ट्स में डिवाइड किया, क्योंकि 1 मीटर के भी 10 पार्ट मीन्स 1 डेसीमीटर। तो 1 डेसीमीटर, 2 डेसीमीटर, 3 डेसीमीटर, ऐसे करके 10 तक दिखा दिया। तो स्केल हमारा तैयार हो गया और मेजरमेंट करना है 3.8 मीटर, मीन्स 3 इंटीजर वैल्यू। तो 3 यहां से लिया, 8 पार्ट यहां से लिया, और दोनों डेस्टिनेशन, दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस आया वो हमारा 3.8 मीटर होगा। तो इस ढंग से हम प्लेन स्केल दिखा सकते हैं, और साथ में यहां हम मेंशन करेंगे हमारा RF। तो RF इज इक्वल टू 1/50 है, ये दिखाना जरूरी है। सो दिस इज अवर आंसर। स्टूडेंट्स, यहां मैं रुकता हूं। प्लेन स्केल की थ्योरी और एक सैंपल प्रॉब्लम हमने समझ लिया है। आप भी खुद ड्रॉ कर दीजिए, और अगले वीडियो लेक्चर में और प्रॉब्लम के साथ हम मिलेंगे। फिर चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आगे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।